This movie uncoded by Patchy 87. मैं हूं जॉन कार्टर, यूएस स्पेशल फोर्सेस, इंटेल, लॉन्ग रेंज रिकॉनसेंस कॉप। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं मैं नहीं जानता, शायद ये बात खास नहीं है, लेकिन एक बार एक शख्स ने मुझसे कहा था कि हम किसी के काम को देखकर उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। मैं एक बार एक मोर्चे पर लड़ने गया था, एक देश के काफी अंदर। वो ऐसी जगह थी जहां पर किसी आदमी का दिखना हैरानी की बात ज्यादा थी, खतरे की कम। मेरा वो मिशन बेहद खुफिया था, इसलिए मैं जानता हूं कि मेरी उस कहानी पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। नए लोग हैं इस इलाके में, अक्सर नए लोग आते हैं। अभी तो शेयरिंग सीजन भी नहीं आया और अफीम तो अभी तैयार भी नहीं हुई है। लगता है यहां काफी वक्त से हो। इसी बात पर ये जाम, मैं तुम्हारे पिताजी को जानता था, वो ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े रहते थे। मेरे पिताजी तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से मारे गए। तुम अमेरिकन, रूसी, हर चीज पर कब्जा जमाना चाहते हो, लेकिन इतने लोग इसे लूटने पर लगे हैं कि जल्दी ही यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, किसी के लिए कुछ नहीं रह जाएगा यहाँ। भाषण अच्छा देते हो, लेकिन क्या तुम्हारी बीवी और बेटा सलामत रह पाएंगे मेरे जाने के बाद? शायद बीवी ना रह पाए। अच्छा मजाक है। वो तुम्हें चाहती है, तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? वो बहुत भारी है, मैं इतना बोझ नहीं उठा सकता। मेरी बैलगाड़ी ले जाओ। मैं नहीं जानता कि वो कौन है, शहर के बाहर डेरा डाल रखा, कई ट्रक्स भी लाए हैं, उनके पास काफी पैसा है, लेकिन उन सिवाय किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तब तो तुम्हारी बीवी अच्छा कमा रही होगी। उसे जाने दो। तो फ्रेंक आते फाइन, तो फ्रेंक आते फाइन, बेसर फाइन बच्चे। इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ, तुम्हारा चेहरा देखकर, क्योंकि मैं उन ट्रक्स के साथ सारी अफीम उड़ाने जा रहा हूं। पर तुम्हें कैसे पता ये अफीम है? नहीं जानता, चलो पता लगाते हैं। अमेरिकन मजाक नहीं कर रहा है। सुनो, मेरे पास ये है, इसके एक वार से सब खत्म हो जाएगा, इसलिए इसे जाने दो। इसे छोड़ दो बिरादर। शुक्रिया जॉन कार्टर, यह एहसान याद रहेगा।
से कुछ नहीं करोगे। अपनी गन फेंक दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। कहा ना, गन फेंक दो, अपनी गन फेंक दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। कहा ना, गन फेंक दो, भरोसा रखो, तुम ये सब नहीं कर सकते। मेरे सामने से हट जा मुन्ने, हट जा वरना दोनों को गोली मार दूंगा। मत करो, तुम गोली मत चलाओ, मेरी बात मानो, तुम ये जुर्म मत करो, यहां से चले जाओ और कहीं जाकर चैन से रहो। अपनी गन मुझे दे दो। मैं तब तक हाँ नहीं कह सकता जब तक तुम ये ना कह दो कि ऐसा करने पर कोई बुरा असर नहीं होगा। अभी तक तो हम कभी नाकाम नहीं हुए हैं। सर्जन्स ने बताया है कि तुम्हारी जो हालत है उसमें कम ही लोग होश में आते हैं। तुम सोच रहे होगे कि तुम्हें हुआ क्या है, तो ये जान लो कि तुम आज की रात भी नहीं निकाल पाओगे। तुम्हारे सारे अहम अंग धीरे धीरे नाकाम हो रहे हैं, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं, क्योंकि हमारे पास ये है। हम तुम्हें फिर से पहले जैसा बना सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा एक एक एटम का डेटा इस 16 GB के फ्लैश मेमोरी स्टिक में बंद है। तुम्हें जवाब देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने पहले ही कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम डर रहे हो कि ये प्रोसीजर नाकाम रहेगा तो ये फिक्र छोड़ दो। हमने पहले भी एक इंसान पर इसे आजमाया है और हर तरह से हमारा टेस्ट सक्सेसफुल हुआ था। सही कहा, इस ऑपरेशन के लिए तुम बिल्कुल सही इंसान। अजीब बात है कि उस रोज तुम ही कह रहे थे कि मार्स वाकई बड़ी अजीब जगह है, और अब हम तुम्हें मार्स पर ही भेज रहे हैं। लेकिन ये वो मार्स नहीं है जो तुम सोच रहे हो, यह है मार्स 216, एक छोटा सा प्लैनेट जो अल्फा सेंटारी के चक्कर लगाता है। खुद के सूरज से बाहर आया चौथा प्लैनेट। हमारे स्कैन से काफी हद तक हमें पता लगा है कि वहां पर जीवन हो सकता है, और वैसे भी वहां पर वायुमंडल तो है ही। हम आज तक उसकी सतह तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन तुम हमारा ये काम करोगे। तुम्हें कुछ पूछना तो नहीं है ना? ये तो बोल भी नहीं सकता, लेकिन ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। शायद ये जाने को तैयार है। वो भी तुम्हारी नस्ल का है? नहीं, वो एक हत्यारा है, नहीं तो वो हमारे यान पर भला क्यों आता? उसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन वो निहत्था है। जान लेने के लिए कोई हथियार जरूरी नहीं है राजकुमारी, अपनी आंखें खोलिए। नहीं, इसे छोड़ दो, ये अभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं मेरी राजकुमारी। तो अंजाम भी मैं ही भुगतूंगी, फैसला हो चुका है। जो हुक्म मेरी राजकुमारी। तुमने मुझे मेरी राजकुमारी कहा ना? माफी चाहता हूं, मेरा मतलब था राजकुमारी साहिबा। तुमने हमारे लिए जो किया है उसे मैं भूल नहीं सकती, लेकिन मुझे मेरी राजकुमारी सिर्फ एक शख्स कह सकता है, और वो शख्स बहुत ही खुशकिस्मत होगा। वक्त बता देगा।
या तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है या फिर बहुत ही ज्यादा बुरा। सुनो, उस अंडे के साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन मुझे लगा था कि तुम लोग हंस रहे हो, तुम्हें मजा आ रहा है, शायद हम साथ में और अंडे तोड़ सकते हैं। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। दरअसल मैं पृथ्वी से आया, असल में मैं वर्जीनिया का रहने वाला हूं। मेरा नाम है जॉन कार्टर। सुनो भाई, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन अच्छा होगा कि तुम मुझे छोड़ दो, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। मैं सब समझ गया हूं। कहना चाहते हो, करवाना क्या चाहते हो मुझसे? तुम चाहते हो कि मैं कूद जाऊं? बेवकूफ है सब, चाहते हो मैं छलांग लगाऊं? ठीक है, इसे ढीला करो, थोड़ा ढीला करो इसे। चाहते हो छलांग लगाऊं? ठीक है, मुझे खाना चाहिए। अब बस भी करो, फिर से छलांग लगवाना चाहते हो? मैं छलांग नहीं लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, मुझे भूख लगी है, खाना खाना चाहिए मुझे, खाना। अच्छा ठीक है,
पीने का पानी। बढ़िया, ये हुई बात। कभी स्कूल नहीं गए हो? खाना मुझे चाहिए मुझे, मैं भूखा हूं। तुम बहुत अच्छे हो।
शुक्रिया तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए। कहीं ये तुम्हारे शरीर से तो नहीं निकला है? निकला है? छोड़ो भी, गलती हो गई, खा कर देखता हूं। मैं है तो ठीक है, चक्कर देखता हूं। ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, मैं इससे भी बुरे की उम्मीद कर रहा था। बिल्कुल भी बुरा नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा पानी लूंगा। क्या है ये? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं खाऊंगा। कीड़े मकोड़े हैं, जिंदा हैं, मैं ये सब नहीं खाता, मैं बिल्कुल नहीं खाता हूं ये सब। तुम इसे खा रहे हो? हाँ, मुझे खुशी है ये तुम्हें पसंद आया। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा इसे। शुक्रिया। मेहमानों का ख्याल रखना आना चाहिए। मेहमानों का ख्याल? मेरी आवाज कैसी हो गई है? अब जबकि तुम हमारी बात समझ सकते हो, तो मैं तुम्हें अपना परिचय फिर से दे देता हूं। मेरा नाम है टांस टाकस और ये है सोला। मैं हूं जॉन कार्टर। उस कीड़े में कुछ मिला हुआ था, है ना? हाँ, वो जुबली बीटल से हम किसी की भी भाषा समझ लेते हैं। बहुत खूब, स्वाद तो कचरे जैसा था। कचरा? छोड़ो उसे, मुझे तुमसे कई सवाल पूछने हैं। और मैं तुमसे। शुक्रिया। अब मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, अब तुम भी हमारे साथी हो और हमारी परंपरा के मुताबिक तुम्हें उस योद्धा की तमाम चीजें दी जाएंगी जिसे तुमने उस रोज हराया था। तुम उसके घर में ही रहना और उसके गुलाम अब तुम्हारी सेवा करेंगे। नहीं, मुझे गुलाम नहीं चाहिए। हाँ, उसका कुछ सामान जरूर चाहिए। उसके पास मेरे इस्तेमाल के लायक कुछ था। वो
था। हाँ, तब तो उसे मुझे मौका मिलते ही मार दो। उसके बारे में इस तरह की बात मत करो। क्या कहा, माफ कर दो? अच्छा, देखो मैं जानता हूँ वो तुम्हारा नेता है, लेकिन जब मुसीबत आई थी तो वही सबसे पहले भागा था। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है जॉन कार्टर। Yeah, I like to fight with people that want to stick around. वो दिन भी जरूर आएगा जब सारा मामला हो जाएगा। हमारे यहाँ डासू में एक बहुत पुरानी कहावत है कि मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ना ही बहुत अच्छा होता है सबके लिए। तुम्हें गोल्फ खेलना चाहिए। गोल्फ? सब अपने अपने मोर्चे पर चले जाओ। हो क्या रहा है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, कुछ भी हो जाए तुम बीच में बिल्कुल मत आना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दुश्मन समझकर हम तुम्हें ही मार डाले।
हमारे करीब मत आना। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुमने हमारे यान पर हमला किया था। मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। तब तो तुम एक पागल हो। क्या पहले तुमने मुझे यान पर देखा था? देखा था। बताओ मुझे क्या हुआ था। सैफ खान ने कहा था कि तुम राजकुमारी की हत्या करने आए हो। नहीं, मैं किसी की हत्या करने नहीं आया हूँ। तो फिर मेरा एक काम करो, वो धारक हमारी लाश को पूरी तरह से सड़ा देंगे। अगर हम उनके हाथ लग गए तो वो हमारा बहुत बुरा अंजाम करेंगे। तुम हमारी मदद करो, तुम हमें यहाँ से ले चलो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। हम उनके हाथ नहीं पड़ना चाहते। नहीं, पहले इसे ले जाओ प्लीज। ओ, 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 शुक्रिया। तेरी मौत के बाद हमें साथ में दफन कर देना। लो, थोड़ा सा पानी पी लो। अब बताओ वो औरत कौन थी? वो है तेजा थॉरिस, हीलियम की राजकुमारी। वो उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए। और हाँ, एक वादा और करो मुझसे। अगर वो तुम्हें मिल गई तो तुम उसे सैफ खान से शादी मत करने देना। वो कौन है? उसने हमारा ही अंजाम किया है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं। मैं हूँ कैंटोस खान, रॉयल पंपिंग स्टेशन का मास्टर इंजीनियर। हम वहाँ अपना क्रू बदलने जा रहे थे। ठीक है, घबराओ मत, आपको कुछ नहीं होगा। याद रखना, हम यहाँ पर दिन ब दिन रात दर रात हवा को साफ रखते हैं। दिन ब दिन रात दर रात हवा को साफ रखते हैं। दिन ब दिन रात दर रात हवा को साफ रखते हैं। दिन ब दिन रात दर रात। बता सकते हो उस यान पर क्या हुआ था जब मैं वहाँ नहीं था? हम राजकुमारी के अरे नहीं, अपनी जान बचाने वाले के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ करने वाले थे, और हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। सुनो, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया कि पूरी फौज तुम्हें लेने आ रही है, इसलिए अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो सब मैं बाद में बता दूंगा, पहले यहाँ से निकलते हैं। तुम मेरे यान पर कैसे आए? तुम्हारा यान पर? मैं तो कैंटोस खान की मदद कर रहा था। तुमने कैंटोस खान को देखा था? हाँ, मैंने उससे बात भी की है। झूठ बोल रहे हो। सुनो, मैं पूरी बात समझा दूंगा, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं। दूर रहो, मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? मैं तुम्हारा इकलौता दोस्त हूं, वादा करता हूं मैं तुम्हें उन खून के प्यासे थाक्स के हवाले नहीं करूंगा। शुक्रिया, बाद में कह लेना। ये मेरी कैदी है। Thank you.
तमाम खास की ओर से जंग में बहादुर दिखाने और मांस की राजकुमारी जैसे एक अहम कैदी को पकड़ने के इनाम में हम तुम्हें ये पोशाक दे रहे हैं। अब तुम हम खाक के बीच में एक जजक हो और हमारे साथी। बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो उसका बाप था। मेरे लिए ये इज्जत की बात है, आखिर ये राजकुमारी है, गनीमत है तुमने इसे खाना कम दिया। अच्छा एक बात बताओ, जब राजकुमारी ताल हजिस के पास जाएगी तो वो इसके साथ क्या करेगा? हीलियम वालों ने हम थाक्स को कई जख्म दिए हैं, ताल हजिस उनका बदला लेगा। हो सकता है कि वो राजकुमारी के बदले सौदा करे और इस ग्रह पर हम थाक्स के राज को कामयाब करने में इसे एक मोहरा बनाए, लेकिन ताल हजिस की सोच ऐसी नहीं है। वो तो इसे शायद मार डालेगा, लेकिन उसके पहले बुरी तरह से जुल्म ढाएगा, यही उसका अंदाज है। आखिर ताल हजिस तुम्हारा सरदार बना कैसे? हाँ, हम सब की तरह ताल हजिस भी उस औहदे तक जंग जीतने के बाद ही पहुंचा है। उसने अपने रास्ते में आने वालों को खत्म कर दिया और उस मुकाम तक जा पहुंचा, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस पिंजरे के साथ उसे लेकर भाग जाओगे? किसी न किसी के पास तो चाबी होगी। मैंने सही सोचा था। अब तो तुम कुछ नहीं फेंकने वाली हो, है ना? तुम्हें माफ किया। कर दिया? मैं देख रही हूं कि तुम अब इन शैतानों के साथ रह रहे हो, क्योंकि तुम इंसानों के बीच रहने लायक नहीं रहे। मैंने तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में सुना है। तुम्हें लगता है कि तुम अब सभ्य समाज में नहीं रह सकते, तुम अच्छे काम नहीं कर सकते, इसलिए तुम अपने समाज से ही दूर होने लगते हो। जिंदगी में कभी कोई कामयाबी नहीं पाते, कभी परिवार नहीं बसा पाते। क्या कहा तुमने? तुम्हें माफ किया। इन लोगों को देख रही हो थार्क्स, चाहे बुरे लोग हों, लेकिन इनकी इज्जत है। और वो कहते हैं कि एक औरत को पिंजरे में कैद कर दो। तुम्हारी बात सही है, लेकिन ये कह रहे थे कि तुम्हारे आदमी इन्हें मारना चाहते हैं। झूठ है, मेरे सारे आदमी इनसे नफरत नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ लोग मानते हैं कि इन्हें दूर ही रखा जाए। लेकिन ये तो ठीक नहीं है। मार्स एक नासुक ग्रह है, मेरे आदमी यहाँ के एयर पंपिंग स्टेशन चलाते हैं, जिनके बिना यहाँ कुछ नहीं बचे, लेकिन ये उनकी इज्जत नहीं करते। उनके गांवों पर हमला करते हैं, लेकिन हम जो हवा देते हैं उससे ये जिंदा हैं। हम यहाँ की हवा साफ रखते हैं। तुम ये कैसे जानते हो? हमें जाना होगा, स्पाइडरलिंग्स करीब आ रहे हैं। तुम्हें राजकुमारी को छोड़ना होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, हमें अब जाना होगा।
अगर खुले में फंस गए तो बहुत बुरा होगा। चलो यहाँ से। मैं तो तभी जाऊँगा जब तुम राजकुमारी को छोड़ दोगे। ओ नहीं, ये नहीं हो सकता दोस्त। तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो। मैं ये तुम्हें कभी नहीं दे सकता हूँ। जब स्पाइडरलिंग्स मुझे मार डालेंगे तब तुम्हें ये चाबी मिल जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। शायद हमें नहीं देख पाएंगे। वो वाइब्रेशंस पर हमला करते हैं, उनकी आंख नहीं होती। मुझे अपनी एक राइफल दो। झुको। शुक्रिया। कोई बात नहीं। पर जरूर है। ये शायद स्काउट था। नहीं, पूरी फौज है। बच गई मेरी राजकुमारी। हमें तालहाजुस तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? शायद एक पूरा दिन। शायद तुम्हें मेरी बात अच्छी ना लगे, मतलब जब स्पाइडरलिंग्स ने हमारे ऊपर हमला किया उसके बाद हम सभी बिछड़ गए और राजकुमारी वहां से निकल गई। लेकिन ये तो हमारे साथ है। किसी को यकीन तो हो ही सकता है। लेकिन वो तो अपने फर्ज से गद्दारी होगी। पता है अभी तुम लोगों को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। कई बार गद्दारी भी फर्ज बन जाती है। शुक्रिया।
लेकिन इसके बाद पहले से बता देना, वरना मेरा कोई आदमी तुम्हें मार भी सकता है। तुम खुश नसीब हो, मेरा निशाना अच्छा है। हमें अभी काफी दूर जाना है। मैं तुम्हें एक छूट दे सकता हूं, अगर तुम वादा करो कि तुम मिस्टर कार्टर के साथ भागोगी नहीं, तो मैं तुम्हें पिंजरे में नहीं बंद करूंगा। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं इसके साथ भागूंगी? हम देखने में भले ही अलग हों, लेकिन हम धोखेबाज बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन तुम्हारी नस्ल के लोग चेहरे से भले ही भोले नजर आते हों, मगर उनके दिल में सिर्फ बुराई ही भरी होती है। लेकिन मैं इसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती। तुम्हारी हालत नदी में तैरते हुए एक पत्ते जैसी होती है। वो ये नहीं देखता कि उसे नदी की धारा बहा रही है, वो तो यही सोचता है कि वो नदी को बहा रहा है। मैं सिर्फ अपने लोगों के बीच जाना चाहती हूँ, ये सब कुछ भूलकर, और तुम सबको भी। इसका फैसला तो ताल हजूस करेगा। चलो चलते हैं। हमारी मंजिल है? नहीं, ये तो इसके आदमियों का बनाया हुआ है। वो है क्या? ये कहते हैं कि ये हमारे लिए हवा साफ करते हैं, उसके ही दम पर हमें अपने वश में रखते हैं, ये कहकर कि हवा के बिना हम मर जाएंगे। और तुम्हें इनकी बात झूठ लगती है? ये कहते हैं कि सिर्फ एक आदमी उसे चला सकता है। हम कहते हैं कि जब खेत में एक आदमी हल नहीं चला सकता, तो ये पूरे ग्रह की हवा को कैसे साफ कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये हमसे झूठ बोल रहे हैं। रॉयल पंपिंग स्टेशन, हमें वहीं जाना है। अब तक कैंटोस खान अपनी बीवी के साथ पहुंच चुका होगा, हमें चलना चाहिए। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। वो वहां नहीं पहुंचे तो क्या होगा? हम उस स्टेशन पर पहले क्रू की जगह कैंटोस खान और उसकी बीवी को पहुंचाने जा रहे थे। तो ये बात सच है हा? दो लोग इतनी बड़ी मशीन को चला सकते हैं? उन्हें उसे नहीं चलाना पड़ता। मशीन को चलाने के लिए इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। रॉयल पंपिंग स्टेशन में एक इंसान जिंदगी भर रहता है, उसका काम सिर्फ मशीन पर नजर रखना है। अगर कोई खराबी आती है तो वो बैकअप सिस्टम को चला देता है, मशीन को कुछ नहीं हो सकता। रॉयल प्लैनेटरी पंप स्टेशन की देखभाल करना इस ग्रह का सबसे अहम काम है। अगर मशीन में कोई खराबी आती है और कोई वहां पंप चलाने के लिए नहीं होगा, तो पूरा ग्रह ही खत्म हो जाएगा। हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। हम पहले पंपिंग स्टेशन को एक नजर देख ले क्या? यही देख लेते हैं कि कांटोस खान वहां पहुंचा कि नहीं। हम वहां नहीं जाएंगे। राजकुमारी की बात भले ही सच्ची लग रही हो, लेकिन ये सरासर झूठी है। मेरे दादा परदादा कहा करते थे कि ये पंपिंग स्टेशन किसी काम के नहीं है। तुम खुद देखना, सांस लो तुम। क्या तुम्हें लगता है कि ये हवा किसी मशीन से आई है? हाँ, हम वहां नहीं जाएंगे।
जहाजों से मिलने आए हैं। हमारे साथ मार्स ग्रह की राजकुमारी भी है। कैसे हैं सरदार? ऐसा क्या है जो तुम मेरा दिन खराब करने आ गए हैं? मैं राजकुमारी को लाया हूँ और साथ में तो ये है मार्स की राजकुमारी। तुम उतनी ही बदसूरत हो जितना मैंने सुना था। मुझे नहीं लगता कि तुम उतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारी पूजा की जाए, पर अब फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खूबसूरत बनाऊंगा। हुजूर, तो ये कलाबाज जमूरा भी आ गया है, इसे देखा ही नहीं था। राजकुमारी भले ही बदसूरत हो लेकिन हमने इन्हें पकड़ा है, हमने अपने काम के लिए रास्ते में इन्हें पकड़ा है और उसका असर सब पर होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? राजकुमारी रॉयल पंपिंग स्टेशन की ओर जा रही थी। कई सालों से ये और इसके साथ ही रॉयल पंपिंग स्टेशन के नाम पर हमें रोके हुए हैं। इन्होंने हमें इस बंजर बियावान में रहने को छोड़ दिया है और खुद ग्रह की सबसे अच्छी जगह पर रहने लगे। ये हमें डराते रहते हैं, लेकिन अब हमारे कब्जे में होने से हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। किन सवालों के जवाब? हम जिस हवा में सांस लेते हैं क्या वो साफ होती है? ये कभी हवा के लिए स्टेशन पर जाती है क्या? इन बातों से लगता है ये नाटक कर रही है। वो मशीन किसी इंसान या थाक के हाथ लगाए बिना भी चल सकती है, लेकिन सावधानी के तौर पर हम वहाँ किसी को रखते हैं। अगर मशीन में खराबी आती है तो वो उसे ठीक कर सकता है। तुम्हारे भाषणबाजी से तुम्हारी जनता खुश होती होगी, हम नहीं। तुम सरासर झूठ बोल रही हो। देखिए हुजूर, आप राजकुमारी पर जुल्म कर रहे हैं। तुम मेरे मामलों में दखल देने वाले कौन हो? मैं हूं जॉन कार्टर, मार्स से। जेडेक हूं, थाक्स का कैप्टन हूं, आर्म्स का। तुम एक जेडेक हो? आखिर इतना बड़ा ओहदा तुम्हें किसने दिया इंसान? मैंने दिया था सरदार। जॉन कार्टर ने जंग में बड़ी बहादुरी दिखाई थी और इसने अकेले दम पर स्पाइडरलिंग्स का सफाया किया था, इसलिए। मेरे सामने आज तीन तीन विद्रोही खड़े हैं। पहली है देजा थोरिस, झूठ की राजकुमारी। दूसरा है जॉन कार्टर थार, कानून के खिलाफ बना जेराक। और तीसरा टार्स टार्कस, जिसने थाक परंपराओं के साथ गद्दारी की है। मेरे अलावा कोई और किसी को जेडाक नहीं बना सकता, खासकर किसी इंसान को। टार्स टार्कस, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए तुम्हारी सजा ये है कि तुम अब मेरे सेनापति नहीं रहे। तुम अभी से अपना पद छोड़ दो और मेरे महल के सेवक का काम शुरू कर दो। जॉन कार्टर, पता लगा है कि तुम बड़े बहादुर हो, इसलिए आज हम अपने अखाड़े में तुम्हारी बहादुरी का नमूना देखेंगे। डेजा टोरेस, बदसूरत राजकुमारी, तुम्हारी किस्मत का फैसला बाद में होगा। तुमने इतने सालों से अपने झूठ से मेरे आदमियों को बरगलाया है, इसलिए मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि आज के बाद तुम्हारे होठों से कोई भी बात कभी नहीं निकले, लेकिन तुम्हारे ये होठ बेकार नहीं जाएंगे। मेरे हुक्म की तामील की जाए। Thank you.
यहां कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम्हारे लिए कई काम है, लेकिन पहले जानवरों को सवारी के लिए तैयार करो। जाओ। मैंने तुम्हें पहले भी राजकुमारी के यान पर देखा था। अगर अब तुम मुझसे अखाड़े में मिले तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। सार्का! तुमसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई मेरे दोस्त। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तुम अमेरिकन बड़े ही बेवकूफ होते हो। मैंने मरने का नाटक किया और तुम्हारे साथियों से कहा कि अगर मुझे जिंदा छोड़ दिया जाए तो मैं उन्हें बता दूंगा कि खजाना कहां है। फिर सारे एजेंट से भी यही कहा, एनएसए CIA मेरी चाल में फंस गए और कहा कि अगर मैं कामयाब रहा तो वो मुझे छोड़ देंगे। और फिर मैं यहां आ गया। तुम राजकुमारी के साथ क्या कर रहे थे? किस्मत से ही हम साथ साथ हैं। हम उस यान पर भी साथ ही थे जब मुझे टेलीपोर्ट किया था। बिंगो! तुमने ही उनसे कहा था ना कि मैं हत्यारा हूं। तुम एक फौजी हो, एक हत्यारे। अब तो तुम्हें मारने में भी मजा आएगा। किस्मत एक बार साथ देती है, बार बार नहीं। जॉन कार्टर, तुम बचोगे नहीं। लो, फिर से शुरू हो गया। तुम लोगों को आखिर हुआ क्या है थार्क्स? कभी रियलिटी टीवी नहीं देखते हो क्या? नहीं।
मैं इससे नहीं लड़ सकता। हमें लड़ना ही होगा। नहीं, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। कि तुम बहुत बहादुर हो और मुझे खुशी है कि तुम कभी मेरे साथ थे। लेकिन अगर हम नहीं लड़ेंगे तो वो हम दोनों को मार डालेंगे। अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो मैं कमांडर बन जाऊंगा, है ना? अगर मैं कमांडर होता तो एक थार को जंग में हराने के बाद वो मैं इसे अगर तुम तालहज उसको हरा दो तो तुम कमांडर बन जाओगे, है ना? अगर उसे हरा दूं तो हाँ। तुम आसानी से नहीं मानोगे। कोई थार बिना लड़े हार नहीं मानता है। ठीक है, फिर यही सही। चलो, जॉन कार्टर कहाँ है? और टार्स तारकस? इतना वक्त नहीं है, तुम्हारे गायब होने का उन्हें पता लग जाएगा। मेरी किस्मत बुलंद है। हम अपनी लड़ाई का फैसला बाद में कर लेंगे जॉन कार्टर। इसकी कोई वजह? अभी मुझे किसी और से मिलना है जो तुमसे ज्यादा प्यारी है। ओह, तो वो ये जानकर बहुत खुश होगी कि तुम कांटोस खान को मारने के बाद उससे मिलने आए हो। अभी तक तुम्हें अकल नहीं आई? अगर तुम्हारे पास सुपर पावर हो तो उसे छिपा कर रखना चाहिए। इसे खत्म करना होगा। सरदार की गद्दी को चुनौती देता हूँ। क्या तुम्हें ये चुनौती मंजूर है? ऐसे हुक्म सिर्फ मैं दे सकता हूँ।
तुम्हें मेरी चुनौती मंजूर है? मरो! अब तो सरदार के लायक बिल्कुल नहीं रहे। जिसने भी ये सब देखा है, क्या उसमें से कोई मेरा विरोध करना चाहता है? राजकुमारी कहाँ है? वो पंपिंग स्टेशन में सबधान से मिलने गई है। दोनों एक यान में गए हैं। यहाँ कोई और यान है? मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। कैटोस खान और उसकी बीवी का क्या हुआ? अफसोस, थार्क्स ने उन्हें मार डाला। लेकिन तुम कैसे बच गए? आसान नहीं था, मैं उनकी कैद में था आप ही की तरह। ये यान, ये तुम्हें कहाँ से मिल गया? ये भी थार्क्स के पास था, उसे भी मार गिराया। और तुम भी टैलहैंचेस की कैद में थे? हाँ। वहाँ जॉन कार्टर को देखा था? देखा था। वो जिंदा है? नहीं, वो अखाड़े में मारा गया, लेकिन उसकी मत से ही मैं भाग पाया। उसने कहा कि इस सफर में आपसे मिलकर उसे बहुत ही खुशी हुई, अगर वो जिंदा बच पाता आपकी सेवा में उम्र गुजार देता। उसने कहा था? उसने यही कहा था। कमाल है, मुझे लगा वो मुझसे नफरत करता है। नहीं, सच तो ये है कि वो भी वही चाहता था जो मैं चाहता हूं। क्या मतलब? आपका दिल। मेरा दिल सिर्फ एक का हो सकता है, और मैं वो शख्स बनना चाहता हूँ। लेकिन मैंने अपना दिल दे दिया है। किसे दिया? जानकर क्या करोगे, वो अब नहीं रहा और मेरे पास दूसरा दिल भी नहीं है। ये नहीं हो सकता। हम ये बातें बाद में करेंगे, अब तो ये देखना है कि हमारे पंपिंग स्टेशन की क्या हालत है। राजकुमारी अटल नाथ, सही पहचाना। यहाँ सब ठीक तो है ना? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? हमें अंदर आने दो। तुम कौन हो? ये मेरे साथ है। आइए राजकुमारी, आपका स्वागत है। बस हम स्टेशन का जायजा लेने आए हैं।
यहाँ तो सब कुछ ठीक है राजकुमारी, हर पुर्जा अच्छे से काम कर रहा है। आज भी सब कुछ वैसा ही है जैसा 700 साल पहले था। क्या ये आदमी मेरी जगह आया है? नहीं, माफ करना, ये वो नहीं है। ये है इसकी जान। हाँ, सही पहचाना, हाइड्रोजन फ्यूजन। और जानते हो ये क्या है? मैं उसे हाथ भी नहीं लगाता। लेकिन ये तो जानते हो कि ये क्या है? ऐसी चीज जिसे तुम्हें छूना नहीं चाहिए। अगर तुम ये बात जानते हो तो भूल कर भी मेरे करीब मत आना। तुम चाहते क्या हो? मैं इसे एक जवाब चाहता हूं। मैं इसे अपना बनाना चाहता हूं। क्या तुम मेरी बनोगी? नहीं बन सकती, मेरा दिल किसी और के पास है। तुम बेवकूफ हो, इनके पास बैकअप है। मैं जानता हूं, मैं सिर्फ जानना चाहता था कि वो कहां है। देख सकता हूं सारका, सारका यहां नहीं, यहां सारका, सारका। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो। मेरे हिसाब से इस ग्रह का वायुमंडल 4 घंटे में खाली हो जाएगा, लेकिन तुम 4 घंटे तक जिंदा नहीं रहोगे। तुम कभी ठीक से हिसाब नहीं लगा पाते सारका। सारका, तुम अफीम बेच सकते हो, चाय की दुकान चला सकते हो, लेकिन वायुमंडल का हिसाब नहीं लगा सकते तुम। आ जाओ। Ugh!
एक लड़की के लिए तुम ये सब कर रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम ऐसे तो नहीं थे सार का, तुम्हें तो सिर्फ लालच था पैसे और सत्ता का, लेकिन इसे हासिल नहीं कर पाओगे। सही कहा तुमने, मुझे राजकुमारी से खास मतलब नहीं है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें रास्ते से हटा दूं तो मैं ये पंपिंग स्टेशन फिर से चलाने लगूंगा, लेकिन तब जब इस ग्रह के लोग मुझे अपना राजा मान लेंगे, मेरे लिए तोहफे लाएंगे, इस स्टेशन को अपना ठिकाना बनाकर मैं यहां पर राज करूंगा और लोगों को पैसे के बदले हवा दूंगा। यह तो अफीम से भी बेहतर है। यह तभी होगा जब यह मशीन चला पाओगे। इसे चलाना कहां मुश्किल है, मैं इनके जैसा जाहिल नहीं हूं। यह तो अपनी जान बचाने के लिए मेरी हर बात खुशी खुशी मान लेंगे। लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो। और क्या है वो बात? मैं तुम्हें मारने वाला हूं। खींचो खींचो, जोर लगाओ, खींचो, शाबाश, और जोर लगाओ, खींचो, कांटोस खान के पास ही था जब उसकी मौत हुई। वो कुछ कह रहा था, दिन ब दिन, रात दर रात, दिन ब दिन, रात दर रात, याद आया। स-
सच में? चलो करो, कामयाबी मिल जाएगी। कोशिश करती रहो, शाबाश। तेज और तेज। और तेज और तेज। मैंने उन्हें कभी कुछ नहीं बताया था। उनके लिए तो प्रयोग नाकाम रहा था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन मैं उनकी उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकला। अगर सच्चाई का पता लग जाता तो सब खत्म हो जाता। इंसान उस ग्रह को बर्बाद करने पहुंच जाते। पृथ्वी का एक ही इंसान पैसों के लिए काफी था। उन्होंने मुझे फिर से घर भेज दिया और अब मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मैं फिर से उस रेड प्लेनेट पर जाऊंगा मार्स की राजकुमारी से मिलने। This movie uncoded by 1987.